को केंद्रित करके वो योजनाएं चल रही हैं। मैं आप सबको भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि हमारी उत्तराखंड की सरकार पिछले 4 जुलाई से मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। मैंने एक एक क्षण और एक एक पल का मैंने सोचा है कि मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को समर्पित करूँ और लगातार आज भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद के 2 स्थानों पर था, आज के बाद आपके बीच में हूँ, इसके बाद दिल्ली का कार्यक्रम है, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य है कि उत्तराखंड के जो हमारे 1,25,00,000 भाई बहन हैं उन सबके चेहरों पर खुशियाँ होनी चाहिए, उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें मिली थी, मैं आंगनबाड़ी की बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम दिवाली से पहले आपको तोहफा देने वाले हैं, आपको शानदार तोहफा देने वाले हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दे दिया है, उनके लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा बहाल कर दी है। हमने जो है जो हमारे ऐसे भाई बहन जो कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए भी हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने बच्चों के लिए 3,000 रुपये प्रत्येक महीने व्यवस्था करी है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जिस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंतिम छोर में पहुँचाने अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की बात हो रही है, उस विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं, हम वचनबद्ध हैं। मनसा वाचा कर्मणा से, मन से वचन से कर्म से हम उत्तराखंड को आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे, उन्होंने कहा कि जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो कैसा उत्तराखंड होगा, 25 साल का युवा उत्तराखंड होगा, पूरा हिंदुस्तान इस युवा को देख रहा होगा, 25 साल के युवा को देख रहा होगा। उस समय में ये उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1